स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल। बेटा दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रॉम क्लास नाइन्थ। ओके, इससे पहले बेटा हम लोग इस अर्लियर वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ्रांस के अंदर जो सबसिस्टेंस क्राइसिस आया उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बेटा द ग्रोइंग मिडल क्लास। अब ये देखो बेटा, द ग्रोइंग मिडल क्लास इवेंजेस द एंड ऑफ प्रिविलेजेस। अब यहाँ पे एक न्यू क्लास अमर्ज होती है बेटा फ्रांस के अंदर, दैट इज़ नोन एज मिडल क्लास। तो हम यहाँ बात करेंगे कि वो कौन सा सेक्शन था जहाँ से मिडल क्लास अमर्ज हुई, ठीक है, और किस तरह से मिडल क्लास के जो पीपल हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो सोसाइटी के अंदर प्रिविलेजेस हैं जो कि फर्स्ट एस्टेट को और सेकंड एस्टेट को मिले हुए हैं वो उनको ख़त्म करेंगे। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, पीजेंट्स एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। हालांकि जब देखो सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया, लोगों के वेजेस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, वेजेस वहीं पे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, हर सेक्शन परेशान है, पीजेंट्स भी परेशान हैं, वर्कर्स भी परेशान हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी जगह पे अलग अलग एरियाज़ में पीजेंट्स और वर्कर्स अपने बिहाफ पे रिवोल्ट करते हैं बेटा किंग के अगेंस्ट। किस चीज़ को लेकर? जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही हैं और जो फूड स्कार्सिटी जो फ्रांस के अंदर फेस करनी पड़ रही है लोगों को, उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बेटा आप देखते हो, अपनी कंट्री में भी देखते हो, बहुत बार कहीं पर पानी की प्रॉब्लम होती है, कहीं पे गली जो है वो उसकी प्रॉब्लम होती है, पानी भरा है, लोग अपने अपने बिहाफ पे रिवोल्ट करते हैं, कहीं पे कोई धरना दे के बैठ जाता है, कहीं पे जो है वो जाम लगा दिया जाता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जब हम छोटे लेवल पर कोई स्ट्रगल करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ऊपर तक नहीं हो पाता जब तक कि हम उसके लिए कुछ बड़ा ना करें। अगर ऊपर तक हमें इफ़ेक्ट, गवर्नमेंट को इफ़ेक्ट करना है बेटा, तो उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या था, जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे, हालांकि वो छोटे छोटे रिवोल्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। बट दे लैक द मीनिंग एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द सोसाइटी। अब पीजेंट्स और वर्कर्स जो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसका बेटा कोई भी फुल स्केल मेजर, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा था लोगों की प्रॉब्लम का, ठीक है, और वो जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाना चाह रहे थे वो चेंजेस नहीं आ रहे थे, ना ही तो वेजेस इंक्रीज हो रहे थे और ना ही फूड की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो रही थी। अब क्या हुआ बेटा, इन 18th century अ न्यू सोशल ग्रुप अमर्ज फ्रॉम थर्ड एस्टेट दैट इज़ नोन एज मिडल क्लास। थर्ड एस्टेट में से ही एक नया सोशल ग्रुप अमर्ज हुआ बेटा जिसे मिडल क्लास कहा जाता है। अब ये मिडल क्लास पीपल कौन थे? अब ये देखो, अ सेक्शन ऑफ थर्ड एस्टेट बिकम प्रोस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन। थर्ड एस्टेट में आप लोगों ने जब पढ़ा था, मैंने डिवीज़न ऑफ आपको थर्ड एस्टेट बताया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि थर्ड एस्टेट के अंदर मर्चेंट्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, ठीक है। अब ये जो सारे पीपल थे बेटा ये क्या थे? प्रोस्पेरस पीपल थे, जिनके पास पैसा था। ये पीपल एजुकेटेड थे और अपने बच्चों को आगे एजुकेशन भी दिलवा रहे थे। इज इट क्लियर? तो थर्ड एस्टेट में से कुछ जो पीपल जैसे कि मर्चेंट है, ट्रेडर है, लॉयर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है, ये पीपल प्रोस्पेरस और हुए और इन्होंने जो है वो एजुकेशन लेनी स्टार्ट की। और जब एजुकेशन लेते हैं बेटा तो लोगों के अंदर न्यू आइडियाज़ अमर्ज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे ये जो पीपल हैं ये प्रोस्पेरस बने, कैसे इन लोगों ने जो है वो एजुकेशन लेनी स्टार्ट की। अर्न देयर वेल्थ थ्रू द ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स।
ये जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने पैसा कहाँ से कमाया था बेटा? ओवरसीज ट्रेड करके। ओवरसीज ट्रेड का मतलब क्या होता है? जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री सी के थ्रू जो ट्रेड होता है, दैट इज़ नोन एज ओवरसीज ट्रेड। तो ये जो मर्चेंट ट्रेडर हैं बेटा, इनका ओवरसीज ट्रेड होता था, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इंडस्ट्रीज इन्होंने सेटअप कर ली थी, जहाँ से वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे और उसको दूसरी कंट्रीज में सेल करते थे, और वहाँ से इन्होंने क्या किया बेटा, बहुत पैसा कमाया। ठीक है, अब पैसा भी कमा लिया, पैसा कमाने के बाद जो है वो एजुकेशन भी इन्होंने ली। एजुकेशन इन्होंने ली तो इन्होंने जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग फिलोसफर्स की व्यूज़ पढ़ने स्टार्ट किए, और व्यूज़ पढ़ के माइंड में न्यू आइडियाज़ आने स्टार्ट हो गए। अब देखो, थर्ड एस्टेट बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। अब इन लोगों ने किस चीज़ की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि भाई ये जो बर्थ के बेस पे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं फर्स्ट एस्टेट को और सेकंड एस्टेट को, इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चनिंग उठानी स्टार्ट की कि बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, बल्कि किस बेस पे होने चाहिए? ये होने चाहिए क्वालिटी के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे। कौन पीपल कितना ज़्यादा एजुकेटेड है, उसकी कितनी क्वालिटी है, उस बेस पे प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, ना कि बाय बर्थ। डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ। अब ये जो थर्ड क्लास के बेटा, देखो सोसाइटी के अंदर आप चाहे कोई भी रिवॉल्यूशन पढ़ लो, किसी भी कंट्री का आप जो है वो हिस्ट्री पढ़ लो, किसी भी कंट्री में अगर कोई चेंजेस आए हैं बेटा, तो वो एजुकेटेड लोगों की वजह से ही आए हैं। यहाँ भी जो एजुकेटेड पीपल हुए, उन्होंने ही क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दी कि जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस क्यों, ठीक है, और उन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट की कि सबको बराबर इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए, और सबको इक्वल, सबके लिए जो लॉ है कंट्री में वो इक्वल होने चाहिए, ना कि फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट के लिए अलग और थर्ड एस्टेट के लिए अलग। अगर टैक्स पे करेंगे तो तीनों एस्टेट करेंगे, थर्ड एस्टेट ही क्यों करें। एंड अपॉर्चुनिटीज दे वर इंस्पायर्ड बाय द फिलोसोफर। वो चाहते थे सबको फ्रीडम मिले, सबके लिए इक्वल लॉ हो, और सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करें, सेकंड एस्टेट से बिलोंग करें, या थर्ड एस्टेट से बिलोंग करें। अब इनके माइंड में बेटा ये आइडियाज़ कहाँ से आए, ठीक है, ये आइडियाज़ आए, इन्होंने बहुत सारे फिलोसफर्स की जो व्यूज़ हैं उनको पढ़ा, इनको अलग अलग फिलोसफर के। अब ये फिलोसफर्स कौन होते हैं बेटा? ये फिलोसफर बेटा वो ग्रेट पीपल होते हैं जिनके अपने आइडियाज़ होते हैं, अपना सोचने का या सोसाइटी के अंदर अपना जो एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन रखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है, और जो अपने विचारों से, अपने व्यूज से, अपने आइडियाज से दूसरे पीपल को इंस्पायर करते हैं, ठीक है। अब इन फिलोसफर्स के बारे में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फिलोसफर जो हैं फ्रांस के अंदर हुए, वो उनके क्या आइडियाज़ थे, क्या व्यूज़ थे, और कैसे उनके आइडियाज़ ने थर्ड क्लास के जो पीपल थे या थर्ड एस्टेट के जो पीपल थे उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर्ड किया, ओके। तो ये जो मैं चैप्टर फर्स्ट मॉड्यूल है बेटा, ये मैं आपको छोटे छोटे ब्रेकिंग पार्ट्स में मैं आपको बना के दे रही हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आप इनको जो है वो सेपरेटली देखें और आपको इनको ये जो है इनको अच्छे से समझे, क्योंकि बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आपको जो है वो एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसके लिए मैं हर टॉपिक का सेपरेट से आपको वीडियो बनाकर दे रही हूँ, ओके। तो फिलोसफर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बेटा प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवर चैनल, ओके, थैंक यू।